व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिसर्च। तो आज हम रिसर्च की 9 टाइप्स डिस्कस करेंगे। बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, क्रॉस सेक्शनल, लॉन्गिट्यूडिनल, कोरिलेशनल, एथनोग्राफिक, एक्सपेरिमेंटल, क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च। रिसर्च की टाइप्स को डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं कि रिसर्च क्या होती है, इसका क्या मतलब है। सबसे पहले हम इस वर्ड की एटिमोलॉजी देखते हैं, यानी वर्ड कहाँ से आया है। द वर्ड रिसर्च इज डिराइव्ड फ्रॉम ओल्ड फ्रेंच टर्म रिसर्चर, ए कंपाउंड वर्ड फ्रॉम री एंड सर्चर और सर्चर मीनिंग सर्च। द टर्म वॉज फर्स्ट यूज्ड इन 1577। रिसर्च का लफज ओल्ड फ्रेंच लैंग्वेज से आया है और उस वक्त इसके स्पेलिंग भी डिफरेंट थे, रिसर्चर, और ये कंपाउंड वर्ड है। कंपाउंड वर्ड ऐसा वर्ड होता है जो दो वर्ड से मिलके बना हो, ठीक है। तो ये रिसर्च वर्ड टू वर्ड से मिलके बना है, री और सर्चर। तो ये ओल्ड वर्ड था और अब जो लेटेस्ट वर्ड है उसके स्पेलिंग डिफरेंट है और है रिसर्च, और मीनिंग था टू सीक फॉर, यानी तलाश करना, ढूंढना। और इस टर्म को सबसे पहले यूज किया गया 1577 में। ये था इसका लिटरल मीनिंग। अब हम देखते हैं कि मैरियम वेबस्टर ने इसको कैसे डिफाइन किया है। The collecting of information about a particular subject. मैरियम वेबस्टर ने इसको इस तरह डिफाइन किया है कि रिसर्च क्या होती है, यानी किसी एक खास सब्जेक्ट पे, किसी खास मौजू पे इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना, यानी मालूमात इकट्ठी करना, मालूमात को जमा करना रिसर्च कहलाता है। रिसर्च किसी चीज के बारे में सिर्फ इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना ही नहीं होती, बल्कि किसी चीज की तलाश करना, खोजना, उसके बारे में डेटा इकट्ठा करना, फिर उसको एनालाइज करना और फिर किसी नतीजे पे पहुंचना, ये सारा रिसर्च का प्रोसेस होता है। अच्छा, सर्च का मतलब भी ढूंढना होता है, तलाश करना, और रिसर्च का मीनिंग भी सिमिलर है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? सर्च एक सिंपल वर्ड है, यानी जिसमें आप किसी भी चीज को तलाश करते हैं, अपनी आंखें इस्तेमाल करके किसी चीज को ढूंढते हैं। यानी आपकी बुक गुम हो गई है और आप अपनी बुक को ढूंढ रहे हैं, तो ये सर्च है। लेकिन रिसर्च क्या है? रिसर्च का मीनिंग इससे डीपर है। इसमें आप अपनी मेंटल और अपनी फिजिकल दोनों स्किल्स, दोनों एबिलिटीज को यूज करके किसी चीज के बारे में मालूमात इकट्ठी करते हैं, ताकि मालूमात में इजाफा हो सके और किसी चीज के बारे में आप फैक्ट्स डिस्कवर कर सके और उनको प्रैक्टिकली किसी भी काम में, किसी भी पर्पज में उनको यूटिलाइज कर सके। अर्ल रॉबर्ट बेबी अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट है। इनकी डेफिनेशन देखते हैं, इन्होंने किस तरह रिसर्च को डिफाइन किया है। रिसर्च इज ए सिस्टमैटिक इंक्वायरी टू डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, प्रिडिक्ट एंड कंट्रोल द ऑब्जर्व फिनोमेना। तो इनका कहना है कि रिसर्च एक सिस्टमैटिक इंक्वायरी है। सिस्टमैटिक क्या होता है? यानी ऐसी चीज, ऐसा काम जिसका एक प्रॉपर तरीकेकार हो, जो ऑर्डर्ड वे में हो, प्लान्ड हो, उसका एक प्रोसीजर हो। तो रिसर्च क्या है? ये एक सिस्टमैटिक इंक्वायरी है, एक प्लान, यानी एक प्रोसीजर के तहत इंक्वायरी है, तलाश है, जिसमें हम किसी चीज को डिस्क्राइब करते हैं, यानी बयान करते हैं, उसकी तो वजाहत करते हैं, फिर उसके बारे में कुछ प्रिडिक्ट करते हैं, यानी हम पेश गोई करते हैं कि ये हो सकता है, ताकि जो भी हमें प्रॉब्लम सामने आ रही है या जिस चीज के बारे में हम इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, हम उस चीज के बारे में मालूमात हासिल कर सकें, प्रॉब्लम्स को कंट्रोल कर सकें। रिसर्च को सिर्फ एजुकेशन में इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसको जिंदगी की तकरीबन तमाम फील्ड्स में इस्तेमाल किया जाता है। और बिजनेस में इसका क्या पर्पज है? बिजनेस में हम इसके जरिए प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं, उसके अलावा प्रॉब्लम्स को कंट्रोल कर सकते हैं, फैटल इंसिडेंट्स को कम कर सकते हैं। साइंटिफिक मेथड्स पे रिसर्च करके हम अपने एग्रीकल्चर को इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके अलावा हम हेल्थ में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जिंदगी में कोई भी फील्ड अब रिसर्च के बगैर नामुमकिन है और रिसर्च के बगैर उसमें मजीद आगे नहीं बढ़ा जा सकता। अब हम रिसर्च की पहली टाइप डिस्कस करते हैं। इसे बेसिक रिसर्च भी कहते हैं, प्योर रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च। ये तीनों रिसर्च एक ही टाइप का नाम है। तो अब हम देखते हैं कि ये बेसिक रिसर्च क्या होती है। बेसिक रिसर्च हेल्प्स द रिसर्चर्स टू फाइंड एंड डिस्कवर हाउ थिंग्स और फिनोमिनास वर्क। बेसिक रिसर्च रिसर्चर्स की मदद करती है ताकि वो ये ढूंढें, ये तलाश करें, ये जानें कि चीजें किस तरह काम करती हैं, यानी दुनिया में जितने भी नेचुरल फिनोमिनास हैं, यानी जितने भी मज़ाहिर हैं, वो किस तरह काम करते हैं, या चीजें जो हैं उनके पीछे क्या टेक्निक होती है, किस तरह काम करती हैं। लेकिन ये तहकीक
ये नहीं देखती कि इन चीजों को किस तरह बेहतर बनाया जाए, यानी क्योंकि ये बेसिक रिसर्च है तो इसका बेसिक पर्पस क्या है कि हाउ थिंग्स वर्क, ठीक है, ये नहीं कहेगी कि हाउ मेक देम बेटर। इट इज अ काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इट डज नॉट क्रिएट एनीथिंग। तो ये एक तरह की इन्वेस्टिगेशन है, यानी तहकीक है एक तरह की, और इसमें हम कोई भी नई चीज नहीं बनाते। बेसिक रिसर्च जनरेट्स न्यू आइडियाज, प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज विच मे प्रोवाइड द बेसिस ऑफ प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट इन डिफरेंट फील्ड्स। तो बेसिक रिसर्च से क्या होगा, जब हम देखेंगे कि चीजें किस तरह काम करती हैं, तो उससे नए नए आइडियाज सामने आएंगे, नए प्रिंसिपल्स यानी नए उसूल, नई नई थ्योरीज सामने आएंगी, तो उससे मुख्तलिफ फील्ड्स में प्रोग्रेस करने में, उनकी तरक्की करने में, डिवेलपमेंट में बहुत सी मदद मिलेगी। एग्जाम्पल, हाउ यूनिवर्स केम इन टू बींग, हाउ लैंग्वेज स्टार्टेड, इस बारे में बहुत सी थ्योरीज हैं कि ये दुनिया जो है वो किस तरह वजूद में आई, और इंसानी जबान यानी लैंग्वेज जो है इसका आगाज किस तरह हुआ। तो ये क्या है, ये बेसिक रिसर्च है। सेकेंड टाइप है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड का क्या मतलब है, अप्लाइड का मतलब है किसी चीज को प्रैक्टिकली यूज में लेके आना। तो अप्लाइड रिसर्च बेसिक रिसर्च के ऑपोजिट है, इसमें किसी भी प्रॉब्लम का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ढूंढते हैं और उस सॉल्यूशन को फिर हम अप्लाई करते हैं। अप्लाइड रिसर्च इज अ वे ऑफ एग्जामिनिंग एंड आइडेंटिफाइंग ए प्रॉब्लम एंड फाइंड्स इट्स सॉल्यूशन। अप्लाइड रिसर्च किसी मसले को जांचता है, परखता है, और फिर उसके बाद उसका कोई हल पेश करता है। इट प्रोवाइड्स प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम, इट कैन बी ऑन इंडिविजुअल और सोसाइटल लेवल। तो ये प्रॉब्लम इंडिविजुअल लेवल पे भी हो सकते हैं, यानी ये इनफरादी मसाइल का हल भी तलाश कर सकता है, और ऐसे मसाइल जिनका ताल्लुक सोसाइटी से होता है वो प्रॉब्लम्स भी इस रिसर्च में हम ढूंढते हैं और उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। अप्लाइड रिसर्च प्रोवाइड सॉल्यूशन टू एवरीडे प्रॉब्लम्स, क्योर इलनेस, डेवलप न्यू टेक्नोलॉजीज एटसेट्रा। अप्लाइड रिसर्च का ताल्लुक हमारी रोजमर्रा जिंदगी में पेश आने वाले प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशन से हो सकता है, जैसे कि बीमारी का हल तलाश करना, यानी बीमारी को खत्म करना, बीमारी का इलाज, और उसके अलावा कोई नई टेक्नोलॉजी दरियाफ्त करना वगैरह। अब हम इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। हाउ टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ वीट एंड सेव इट फ्रॉम क्लाइमेट चेंज, यानी किस तरह हम वीट की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं और बारिशों की वजह से होने वाले नुकसान से उसको बचा सकते हैं। जैसे कि आपको पता है गंदम का सीजन है और बारिशें बहुत ज्यादा पड़ रही हैं, तो अगर हम रिसर्च करें कि हम अपने पौधों को मजबूत करें या कुछ ऐसी जो है केमिकल्स यूज करें जिससे हम मौसम के असरात से अपने पौधों को बचा सकें, तो ये किस तरह पॉसिबल होगा, ये अप्लाइड रिसर्च से पॉसिबल होगा। सेकेंड एग्जाम्पल है व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन टू मेक कार टायर्स वर्क लॉन्गर, यानी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करें जिससे हमारे कारों के टायर जो है वो ज्यादा लंबा अरसा चल सके। स्टडी टू डिक्रीज फ्रॉड, और फ्रॉड को कम करने के लिए कौन कौन से तरीके इख्तियार किए जा सकते हैं। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं इनका ताल्लुक अप्लाइड रिसर्च से है। थर्ड टाइप है क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। क्रॉस सेक्शनल स्टडी इज ए टाइप ऑफ रिसर्च इन विच यू कलेक्ट डेटा फ्रॉम मेनी डिफरेंट इंडिविजुअल्स एट ए सिंगल पॉइंट इन टाइम। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च ऐसी रिसर्च है जिसमें आप एक ही वक्त में मुख्तलिफ लोगों से, यानी लोगों के ग्रुप से मालूमात इकट्ठी करते हैं, और वो लोग इस तरह के हों कि उनकी जो खसूसियात हैं वो मिलती जुलती हों, यानी उन लोगों की एज एक जितनी हो, उनकी जेंडर सेम हो, उनकी इनकम सेम हो, तो फिर साइंटिस्ट उनमें सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस फाइंड आउट करते हैं। एग्जाम्पल, स्टडी ऑफ द नंबर ऑफ कैंसर पेशेंट्स इन स्पेसिफिक पॉपुलेशन, यानी एक खास पॉपुलेशन में से कैंसर के पेशेंट्स की स्टडी करना, यानी वो कैंसर के पेशेंट्स जिनकी एज, जेंडर और इनकम वगैरह, यानी उनकी सिचुएशन, उनके हालात एक जैसे हों, उनकी स्टडी करना। फोर्थ टाइप है लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च। लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च कंडक्ट्स एग्जामिनेशंस एंड सर्वेस ऑफ द सेम पॉपुलेशन और सब्जेक्ट ओवर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च भी क्रॉस सेक्शनल रिसर्च की तरह ही है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च में हम एक मखसूस ग्रुप पे, एक मखसूस पॉपुलेशन पे एग्जामिनेशन करते हैं, यानी उन पे हम एक दफा उनको स्टडी करते हैं और फिर कुछ अरसा, कुछ वक्त गुजरने के बाद उन्हीं लोगों पे दोबारा स्टडी करते हैं। जबकि क्रॉस सेक्शनल में हम आबादी से लिए हुए नमूने यानी सब्जेक्ट्स की
एक ही टाइम में एक ही दफा स्टडी करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, बिहेवियर ऑफ सेम ऑर्फन्स इन देयर चाइल्डहुड एंड अगेन इन देयर एडल्टहुड, यानी कुछ स्पेसिफिक ऑर्फन्स को लेके पहले बचपन में उनके बिहेवियर पे स्टडी करना और फिर कुछ वक्त गुजर जाने के बाद या उनकी यंग एज में जाके उन्ही ऑर्फन्स की दोबारा से स्टडी करना और फिर देखना कि क्या फर्क आया है, या वही बिहेवियर सेम रहे हैं या उनमें कोई चेंजिंग भी आई है। फिफ्थ टाइप है कोरिलेशनल रिसर्च। दिस टाइप ऑफ रिसर्च फाइंड्स रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स हैविंग सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। कोरिलेशनल रिसर्च ऐसी रिसर्च है जिसमें दो वेरिएबल्स या दो चीजों का आपस में रिलेशन फाइंड आउट किया जाता है, यानी अगर एक चीज तब्दील होगी तो दूसरी में क्या चेंजिंग आएगी या दूसरी वैसे ही रहेगी, तो ये कोरिलेशनल रिसर्च है। इट ट्राइज टू फाइंड आउट इफ चेंज इन वन क्रिएट्स ए चेंज इन द अदर विदाउट इन्फ्लुएंस फ्रॉम एनी एक्सटर्नल वेरिएबल। यानी इसमें देखा जाता है कि बगैर किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के, यानी बगैर किसी तीसरे वेरिएबल के या तीसरी चीज के असर के बगैर, दो चीजें आपस में किस तरह असरअंदाज हो रही हैं, यानी एक चीज का जब दूसरी पे असर पड़ रहा है तो वो किस तरह मुतासिर हो रही है। एग्जाम्पल, रिलेशनशिप बिटवीन ओबिसिटी एंड डायबिटीज, यानी मोटापे में और शुगर में क्या ताल्लुक है। रिलेशन बिटवीन स्मोकिंग एंड कैंसर, यानी अगर स्मोकिंग ज्यादा होगी तो क्या कैंसर होगा, और अगर मोटापा ज्यादा होगा तो इससे क्या डायबिटीज हो जाएगी। सिक्स टाइप है एथनोग्राफिक रिसर्च। इट इज अ काइंड ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। इट कंसिस्ट ऑफ इन डेप्थ स्टडी एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ बिहेवियर्स कल्चर्स और नॉर्म्स इन ए कल्चरल ग्रुप। ये क्वालिटेटिव रिसर्च की एक काइंड है जिसमें हम कल्चर के थ्रू लोगों के बिहेवियर्स, मैनर्स, उनके कस्टम्स, ट्रेडिशंस की स्टडी करते हैं। यानी किसी खास कल्चर से रिलेटेड एक ग्रुप सेलेक्ट कर लिया जाता है और फिर उस ग्रुप की हम नॉर्म्स, बिहेवियर्स और हर चीज की स्टडी करते हैं, तो ये एथनोग्राफिक रिसर्च है। एग्जाम्पल, ऑब्जर्विंग स्टूडेंट्स ऑफ ए रू टीचर, ऑब्जर्विंग चिल्ड्रन प्लेइंग आउटसाइड। सेवन टाइप है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज ए साइंटिफिक मेथड ऑफ रिसर्च यूजिंग टू वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च साइंसी रिसर्च है जिसमें साइंसी तरीकेकार इस्तेमाल किया जाता है। इसमें दो वेरिएबल्स लिए जाते हैं, एक इंडिपेंडेंट होता है और दूसरे को हम डिपेंडेंट रखते हैं। एक को आजाद छोड़ा जाता है और दूसरे पे काम करके फिर दोनों में फर्क देखा जाता है। इट इज बेस्ट व्हेन वी नीड टू फाइंड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो ये तरीकेकार उस वक्त ज्यादा बेस्ट होता है जब हमने दो चीजों में, यानी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखना हो, यानी एक चीज की वजह और उसका दूसरे पे असर देखना हो, तो ऐसी सूरत में ये तरीकेकार ज्यादा मुनासिब रहता है। एट टाइप है क्वालिटेटिव रिसर्च। तो क्वालिटेटिव रिसर्च रिसर्च की एक बहुत ब्रॉड कैटेगरी है। अगर हम देखें तो रिसर्च की बेसिकली टू कैटेगरीज हैं, एक क्वालिटेटिव और दूसरी क्वांटिटेटिव। तो जितनी भी रिसर्च की टाइप्स हैं वो इन दोनों कैटेगरीज में किसी एक कैटेगरी में फॉल करती हैं। तो हम देखते हैं कि क्वालिटेटिव रिसर्च होती क्या है। क्वालिटेटिव रिसर्च इज ए टाइप ऑफ रिसर्च दैट एम्स टू गैदर एंड एनालाइज नॉन न्यूमेरिकल डेटा इन ऑर्डर टू गेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिविजुअल सोशल रियलिटी इंक्लूडिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर एटीट्यूड्स, बिलीव्स एंड मोटिवेशन। क्वालिटेटिव रिसर्च ऐसी रिसर्च है और इसमें वो तमाम टाइप्स आ जाती हैं रिसर्च की जिनमें हम नॉन न्यूमेरिकल डेटा इकट्ठा करते हैं, यानी ऐसी रिसर्च की टाइप्स जिनमें हम ऐसा डेटा इकट्ठा करते हैं जिसका ताल्लुक फिगर से नहीं होता, डिजिट से नहीं होता, बल्कि उसका ताल्लुक लोगों के बिहेवियर से होता है। कस्टमर्स व्यूज एंड ओपिनियंस अबाउट द प्रोडक्ट आर डिटरमिन्ड बाय क्वालिटेटिव रिसर्च। तो ये बहुत ब्रॉड कैटेगरी है। अगर हम बिजनेस की बात करें तो कस्टमर्स के व्यूज और ओपिनियंस जब हम लेते हैं तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च के थ्रू ही होता है। अब हम देखते हैं कि क्वालिटेटिव रिसर्च किस तरह की जाती है। ये इंडिविजुअल इंटरव्यूज के थ्रू की जाती है। इसके अलावा ऑब्जर्वेशंस, यानी मुशाहिदा करना, डायरी और जर्नल, यानी किसी शख्स की लिखी हुई डायरी उसका जर्नल पढ़ना, और उसके अलावा ओपन एंडेड क्वेश्चंस करना। ओपन एंडेड क्वेश्चंस मींस यानी ऐसे सवालात जिनका जवाब यस या नो में ना हो, बल्कि उसमें कोई शख्स अपनी ओपिनियन दे सके, अपने व्यूज दे, तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। तो इनके थ्रू हम क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं। नाइन्थ टाइप है क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च इज बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल डेटा सच एज स्टैटिस्टिक्स,
टू इन्वेस्टिगेट स्पेसिफिक क्वेश्चन दैट इज हाउ मैनी। क्वांटिटेटिव रिसर्च सेकेंड ब्रॉड कैटेगरी है जिसमें ऐसी तमाम रिसर्चेज आ जाती हैं जिसमें हम न्यूमेरिकल डेटा कलेक्ट करते हैं। इस रिसर्च का ताल्लुक है हाउ मैनी यानी कोई चीज कितनी है और उसको हम फिगर्स में बताएंगे। द रिजल्ट्स आर यूजुअली प्रेजेंटेड इन टेबल्स और ग्राफ्स, तो न्यूमेरिकल डेटा होता है इसमें और फिर हम रिजल्ट्स को टेबल्स और ग्राफ्स की सूरत में प्रेजेंट करते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च में किस तरह डेटा कलेक्ट किया जाता है और फिर किस तरह डेटा को प्रेजेंट किया जाता है, तो ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के थ्रू होता है। इसमें न्यूमेरिकल डेटा होता है, स्टैटिक्स के थ्रू हम इसको शो करते हैं, ग्राफ्स की सूरत में शो करते हैं। उसके अलावा इसमें क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं यानी क्लोज एंडेड रिसर्च है ये। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस मींस ऐसे सवाल जिनके जवाब हम यस या नो में दें, यानी इस मिसाल के तौर पर एक क्लास में कुछ स्टूडेंट्स बहुत अच्छा पढ़ते हैं, कुछ मीडियोकर होते हैं और कुछ उनसे कम अच्छा पढ़ते हैं। तो अगर हम प्रॉपर तरीके से इस पे रिसर्च करें और देखें कि कितने स्टूडेंट्स बहुत अच्छा पढ़ते हैं और कितने दरमियाने लेवल के हैं, तो ये इनके जवाब हम फैक्ट फिगर्स की सूरत में देंगे, यानी हम बताएंगे कि इतनी तादाद अच्छा पढ़ने वालों की है और इतनी तादाद के स्टूडेंट्स जो हैं वो नॉर्मल लेवल के हैं। तो ये क्या है, ये क्वांटिटेटिव रिसर्च है। तो ये थी रिसर्च की टाइप्स, आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है। खुदा हाफिज़।